ज्योति बता रही है कि उनके ससुर जो है उनके फादर इन लॉ की स्पाइनल कॉर्ड की C3 और C4 बोन फ्रैक्चर हो गई थी। 5 महीने पहले ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन के बाद से फिजियोथेरेपी लगातार चल रही है लेकिन अभी तक वो चल फिर नहीं पाते हैं। अब वो चाहती हैं कि आप उन्हें कोई उपाय बताएं, कुछ सजेस्ट करें। ये L4 में हो या C में हो, पूरे 33 के 33 मणकाच्छे होते हैं। ये लाइव बैठा हुआ है, पहले आगे पीछे झुक नहीं सकता था, अब आगे भी झुक सकता है। झुक के दिखा, इतना झुक ले रहा है, आराम से आराम से। बस बस बस, अब बताओ, इसको पूरा मणका घिस गया था। हेलो, घिसा हुआ मणका ठीक कर दिया। इधर आओ, कैसे ठीक करना है? एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और सारे योगाभ्यास करना। उनको जिनको मणके घिसे हुए, लाक्षादि गुगुल खा लेना, चंद्रप्रभावटी, लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ये एक एक गोली खा लेना। खाली पेट गिलोय घनवटी खा लेना, ये कमर का पॉइंट दबा लेना, ये और ये कमर का पॉइंट। देखो, ये जिनको भी कहीं पूरे 33 के 33 मणका में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट उसके लिए बहुत है। यहाँ दर्द है सर्वाइकल स्पोलाइटिस और यहाँ तक कि टेनिस एल्बो भी है, तो ये 1, 2, 3 और हो गए, तो 5 तो ये पॉइंट हो गए। ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और एक पॉइंट है ये रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ से ऐसे गोल गोल पैन लेकर के ऐसे दबा लेना, ऐसे दोनों हाथों इसको नीचे करो, उंगली को ये यहाँ से दबाना है, ऐसे ऐसे। ये थोड़ा दर्द होगा तेरे को? सहन करेंगे। दर्द हो रहा है ना? हाँ, सहन करेंगे। दबाओ ये फायदा होना चाहिए। ये पॉइंट दबाए तो ये 5 पॉइंट, ये छठा, ये और एक होता है। देखो, विशेष इलाज बता रहा हूँ, पैर शेयर करो, पीछे जाओ। ये छोटी अंगुली के पास वाली जो अंगुली है इसके टॉप पर दबाना है। देखो यार, इसको यहाँ दबाने से एकदम दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ये तो सहन कर रहा है यहाँ एकदम बहुत तेज दर्द होगा इसके अंदर, है ना? अभी तो हुआ ये तो ये 7 पॉइंट बता दिए एक्यूप्रेशर के, इससे पूरा दर्द गायब। चलो बैठो। तो ऐसे ये अद्भुत लाभ होता है एक्यूप्रेशर भी, कमर दर्द से लेकर के, शाटिका से लेकर के, और फिर ये कपालभाति धीरे करें। कुछ लोग जोर जोर से ऐसे करते हैं। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऑफिस में काम करते करते गर्दन और कमर में तेज दर्द हो जाता है, तो वो अभ्यास भी आप बता दें जिससे इंस्टेंट आराम मिल जाए और कुर्सी पर बैठे बैठे हम ये कर सकें। हुसैन भी तो बैठे हुए कुर्सी पर देखो, एक तो अभी बताया था ये अभ्यास, दूसरा ये बताया ये, तीसरा ये, और चौथा ऐसे, ये ऐसे बैठे बैठे हर 2 घंटे बाद में ऐसे 5-10 बार ऐसे कर ले, और एक ऐसे दोनों हाथ की उंगलियों को पीछे से मिला करके, अंगूठा ऐसे रख करके इस तरह से ये कर ले। इतना करने से ही ऐसे, और एक आधी बार खड़े होकर के ही अर्ध चक्रासन या थोड़ा उष्ट्रासन या ऐसे बैठे बैठे ना, ऐसे बैठे बैठे ऐसे, देखो कितना अच्छा। इतना करने से ही कमर में दर्द अच्छा हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, मैंने बार बार कहा है कब्ज ना होने दें, दही छाछ नींबू चाट टमाटर कोई खट्टा ही ना खाएं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जबरदस्त लाभ करता है। 72,72,10,201 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं सूर्य स्वर और चंद्र स्वर से, दाहिने तरफ सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसलिए ये अनुलोम विलोम करते रहे।